न्यूज टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बारिश के दिनों में ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाने की वजह से बारिश होते ही जुगसलाई अंडरब्रिज तालाब में तब्दील हो जा रही है। लोग, महिलाएं और बच्चे वहां से गुजर तो रहे हैं, पर यह काम काफी जोखिम भरा लग रहा है। जरा आप भी देखिए ये नज़ारा। शहर की ड्रेनेज सिस्टम पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। स्टेशन रोड मुख्य मार्ग स्थित अंडरब्रिज से बारिश के मौसम में लोग जान जोखिम में डालकर आना जाना करते हैं। स्थिति से न ही रेलवे, न ही टाटा स्टील और न ही जुगसलाई नगर परिषद को कुछ लेना देना है। स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। यह स्थिति केवल मानसून में नहीं बल्कि हर वर्ष बारिश के मौसम में उत्पन्न हो जाती है। रेलवे, न ही टाटा स्टील, न ही जुगसलाई नगर परिषद को कोई लेना देना है। स्थानीय लोगों को उनकी हालत पर जानकारी देते हुए राहगीर करण सिंह ने बताया कि जब से अंडरब्रिज का निर्माण हुआ उस समय ही पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की जानी थी। आज स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि लोग मजबूर है। उन्होंने कहा, जब जब बारिश होती है तब तब यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप देख सकते हैं ये जुगसलाई का रेलवे अंडरब्रिज है और बारिश के मौसम में अक्सर हल्की सी बारिश होने से पर भी यहाँ एक झील नुमा दृश्य नज़र आता है, जिसमें आने जाने वाले राहगीरों को वो बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर फंस जाते हैं। आने जाने वाले राहगीरों को बहुत परेशानी होती है और यहाँ घंटों जाम की स्थिति आप देख सकते हैं लगी रहती है। इस मुद्दे को हमने यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा रेलवे के सहायक अभियंता प्रथम के कार्यालय पर जाकर उन्हें ज्ञापन के माध्यम सभी से बहुत बार अवगत कराया गया है, लेकिन ना वो रेलवे यहाँ सुनता है, ना किसको यहाँ देखती है, ना नगर परिषद यहाँ पर। किसकी गलती है ये, इसका कारण, इसके पीछे किसकी गलती लग रही है आपको? ये जब निर्माण हुआ था उसी समय यहाँ के जो इंजीनियर थे उनको सोचना चाहिए था। यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था मात्र एक नाला के एक तरफ से होता है। इसी स्थिति से केवल राहगीरों को ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही बारिश होती है वैसे ही ये मुख्य मार्ग, जो कि टाटा नगर स्टेशन रोड मुख्य सड़क है, इस सड़क से ही लोग शहर के बीचों बीच पहुँचते हैं और यह सड़क हाता होते हुए उड़ीसा व बंगाल को जोड़ती है। स्थानीय लोगों ने इस समस्या से कई बार रेलवे और जुगसलाई नगर परिषद को अवगत कराया, स्थिति शून्य निकली। जानकारी देते हुए स्थानीय अरूप मलिक ने बताया कि जब अंडरब्रिज का निर्माण हुआ उस समय ही रेलवे व स्थानीय नगर निकाय को चाहिए था कि ड्रेनेज सिस्टम सुचारू रहे ताकि बारिश के मौसम में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, पर हल्की बारिश से ही झील नुमा दृश्य उत्पन्न हो जाती है, वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है, जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लगातार ही स्थिति बने रहती है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो यही गोरखपुर से। कितने दिनों से ऐसी स्थिति है यहाँ पर? ये तो जब से बारिश चालू हुई है। क्या कारण है लगातार जल जमाव की स्थिति होती है? पानी निकलने का पुलिया में साधन नहीं है। हाँ, इधर देखिए ना, इधर देखिए ना, क्या पुलिया में साधन ही नहीं है पानी निकलने का। गलती रेलवे की हो, टाटा स्टील की हो या फिर जुगसलाई नगर परिषद की, पर जिम्मेवारी सबकी बनती है कि आम लोगों की परेशानी को जल्द से जल्द दूर की जाए। शुक्रवार की सुबह परसोडी लोको शेड में काम के दौरान इंजन शंटिंग कर रहे रेलकर्मी 50 वर्षीय कुमार शेखर उसकी चपेट में आ गए और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना अहले सुबह की बताई जा रही है। रात्रि ड्यूटी में कीताड़ी निवासी निषेध कुमार शेखर मौजूद थे। सुबह सुबह इंजन शंटिंग के दौरान वे इंजन की चपेट में आ गए, जहां उनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी मिलते ही रेलवे के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी सूचना परसोडी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही परसोडी पुलिस घटनास्थल पहुँची और जाँच पड़ताल में जुट गई। फिलहाल शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए उनके क्लीन शशि मिश्रा ने बताया कि शेखर 97 बैच के रेलवे कर्मचारी थे। वे रात्रि 10 से 6 ड्यूटी में मौजूद थे, तभी अहले सुबह इंजन शंटिंग के दौरान उनकी मौत हुई है। उन्होंने कहा, इस दुख की घड़ी में पूरा रेल परिवार उनके साथ है। सुबह 6 बजे हम लोगों को पता चला कि हमारे लोको सेट के एक सहकर्मी, जिनका एक्सीडेंट इंजन के शंटिंग के दौरान इंजन के चपेट में आने से हुआ, काफ़ी दुखद घटना है। और हम लोग पहुंचकर
आगे जो कार्रवाई है, जो प्रोसेस है, उसका तैयारी में लगे हैं। शेखर हमारी साथ 97 में रेलवे का सर्विस में ज्वाइन किए थे, हम लोग एक ही बैच में ज्वाइन किए थे। काफ़ी मिलनसार लड़का था और परिवार का पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंड थी। उसका एक भाई जो है वो हैंडीकैप्ड है। पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा में बीएसएफ के एक रिटायर्ड जवान सुखलाल पूर्ति के नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। उसके शव के पास उन्होंने लाल स्याही से लिखे पर्चे भी छोड़े हैं, जिसमें पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया गया है। पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में बीएसएफ के एक रिटायर्ड जवान की नक्सली ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थिति काशीजोड़ा गांव में बीती रात को नक्सलियों के हथियारबंद दस्ते ने बीएसएफ के एक रिटायर्ड जवान सुखलाल पूर्ति को उसके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने मौके पर भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के पर्चे छोड़कर रिटायर्ड जवान पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया है। निर्दलीय विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा द्वारा मूलभूत सुविधाओं को लागू करवाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के बाहर शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने जमशेदपुर शहर की मूलभूत सुविधाओं को लागू करवाने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मूलभूत सुविधाओं को जमशेदपुर में जल्द बहाल करवाने की मांग को लेकर एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा है। पार्टी के जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव के नेतृत्व में सैकड़ों पुरुष और महिला नेता व कार्यकर्ताओं के साथ साक्षी पुरानी कोट गोलंबर से जुलूस के रूप में चलकर सभी उपायुक्त कार्यालय पहुँचे। घर घर में डेंगू फैल गया है, बिस्तर जो है बेड मिल नहीं रहा है अस्पताल में, यहाँ जो है ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं हो रहा है, एंटी लार्वा का जो लिक्विड है उसका कोई काम नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन कान में रुई डालकर सोई हुई है, उसको जगाने के लिए हम लोग आए। जुगसलाय के गंभीर एवं ज्वलंत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आजसू का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को रेलवे के सहायक अभियंता से मिला। जुगसलाई स्टेशन रोड वीर कुंवर सिंह चौक स्थित रेलवे अंडरब्रिज के नीचे लगातार जल जमाव की समस्या होने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हल्की बारिश में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, जहां कई वाहन फंस जा रहे हैं, कई राहगीर चोटिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अंडरब्रिज का सड़क पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गया है। स्टेशन रोड संकटा सिंह पेट्रोल पंप से लेकर रेलवे ओवरब्रिज तक सड़क की स्थिति बद से बदतर हो गई है। विगत दिनों हम लोग यहाँ के सीनियर अधिकारी को हम लोग एक मांग पत्र सौंपे थे, जिसमें जुगसलाई अंडर ब्रिज का मरम्मतीकरण और जो जल जमाव की स्थिति से आम जनता को जो परेशानियाँ हो रही हैं उसको लेकर के, साथ ही साथ जो ओवर ब्रिज है जहाँ से बड़े गाड़ियों का आवागमन होता है, छोटे गाड़ियों का आवागमन होता है, उसमें इतने गड्ढे भर गए हैं कि आए दिन दुर्घटनाएँ बढ़ रही है। इसको लेकर के हम लोग एक ज्ञापन दिए थे, आज हम लोग पुनः उनको रिमाइंडर दे रहे हैं और उनको आगाह कर रहे हैं कि हफ्ता दिन के अंदर में इसकी समुचित व्यवस्था करिए, और बरसात के मौसम में जो अंडरब्रिज में पानी घुस जा रहे हैं, जिससे बड़े वाहनों को आने जाने में, चार चक्के वाहनों को परेशानी हो रही है। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की नई कमेटी के लिए आगामी 10 सितंबर को चुनाव होना है। चुनाव से पूर्व पक्ष विपक्ष के बीच दोषारोपण का दौर आरंभ हो चुका है। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति जमशेदपुर की नई समिति के गठन हेतु आगामी 10 सितंबर को चुनाव होना है। इसको लेकर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार एवं उनकी टीम मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने दूसरे पक्ष पर जमकर दोषारोपण किए। बता दें कि विगत दिनों नई कमेटी के निर्धारण हेतु आयोजित बैठक की गई थी, जहाँ दोनों पक्ष आपस में ही उलझ पड़े थे। जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, उसका मुख्य जो मुद्दा है वो असंवैधानिक तरीके से लगातार संस्था के महासचिव राम बाबू सिंह 14 अगस्त को और फिर 3 सितंबर को
वो चुनाव कराना चाहते थे, जिसको हम लोगों ने रोका। सभी दुर्गा पूजा समितियों के संपर्क से, सबके सहयोग से, उनके द्वारा जो असंवैधानिक तरीके से जो चुनाव कराया जा रहा था उसको हम लोगों ने रोका। इसलिए रोका कि हम लोग चाहते थे कि समिति में गबन हुआ है, लाखों रुपया का गबन हुआ है, उसकी जांच हो फिर चुनाव हो। लेकिन राम बाबू सिंह पिछले 24 सालों से हमारे समिति में, केंद्रीय समिति में महासचिव के पद पर रहते हुए मनमानी करते रहे। ईएसआई अस्पताल की समस्याओं के निदान की मांग को लेकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा जोरदार आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। एटक के प्रदेश सचिव अंबुज ठाकुर ने इस बाबत कहा कि जमशेदपुर में ईएसआई अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई है। आदित्यपुर स्थित ईएसआई अस्पताल में केवल 50 बेड हैं और जिला भर में 2,00,000 ईएसआई कार्डधारी मजदूर हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को चिकित्सा का लाभ देने हेतु ये योजना चलाई जाती है और तमाम मजदूर अपने वेतन से इसके लिए भुगतान भी करते हैं, लेकिन चिकित्सा सुविधा के नाम पर मजदूरों के साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है। यहां तक कि अस्पताल से जो डॉक्टर सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके स्थान पर डॉक्टरों की बहाली भी नहीं की जा रही है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के द्वारा प्रेस वार्ता आज सीपीआई कार्यालय में इसलिए किया जा रहा है कि जमशेदपुर में पूरे लगभग कार्डधारियों की संख्या ईएसआई में 2,00,000 के है और ईएसआई का अस्पताल जो आदित्यपुर में है वो 50 बेड का है। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इलाज कहां तक सक्षम है। दूसरा सबसे भयंकर बात यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्धारित कर दिया जाता है या नोटिस लगा दिया जाता है कि डॉक्टरों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जारी है। इसके बाद जो डॉक्टर वहां से ट्रांसफ़र होकर के जाते हैं उनके जगह पर अगर सर्जन ट्रांसफ़र हुआ तो सर्जन आना चाहिए, उनके जगह पर डॉक्टर नहीं भेजा जा रहा है। डॉक्टरों की घोर कमी है, पैथोलॉजी में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कमी है और ऐसे तमाम समस्याएं आदित्यपुर के अस्पताल में है। इसलिए हम लोग माननीय श्रम मंत्री भारत सरकार से मांग किए हैं कि यथाशीघ्र इसकी संज्ञान लिया जाए। सरायकेला के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने शुक्रवार को 2 पोषण जागरूक रथों को रवाना किया, जिससे जिले भर में पोषण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने शुक्रवार को 2 पोषण जागरूकता रथों को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले भर में प्रचार प्रसार कर जागरूकता हेतु इस रथ को रवाना किया गया है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर भी मौजूद रहीं। इस दौरान उपायुक्त सहित सभी पदाधिकारियों ने पोषण सप्ताह के तहत हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। उपायुक्त द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारी कर्मी एवं आम जनमानस को पोषण अभियान 2023 में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की मांग की है। मैं हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुंचाऊंगा। सही पोषण का अर्थ पौष्टिक आहार, साफ पानी और सही प्रथाएं। मैं पोषण अभियान को एक देशव्यापी जन आंदोलन बनाऊंगा। हर घर, हर विद्यालय, हर गांव, हर शहर में सही पोषण की गूंज उठेगी का आयोजन किया जा रहा है और 1 सितंबर से माह के अंत तक ये जारी रहेगा। ऐसे तो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से और VHSND के माध्यम से नियमित रूप से कुपोषण को दूर करने के लिए और सही पोषण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस माह में विशेष रूप से प्रचार रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा और साथ ही साथ हमारे सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में गतिविधियों के आयोजन के माध्यम से कुपोषण के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया जाएगा और सामाजिक प्रयासों से कुपोषण को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाएगा। झारखंड के चर्चित डुमरी उपचुनाव का परिणाम अंततः सामने आ चुका है। इस चुनाव में इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी ने 17,000 मतों के अंतर से अपने निकटतम प्रत्याशी आजसू की यशोदा देवी को हरा दिया है। शहर में भी झामुमो कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। Oh, yeah.
चर्चा और डुमरी उपचुनाव में जो उपचुनाव हुई जिसमें हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ माता जी की धर्मपत्नी श्रीमती बेबी देवी की आज जो हमारे गठबंधन महागठबंधन के बीच चुनाव लड़ी, आप देख रहे हैं कि उस गठबंधन में हमारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जीत, एनडीए हमारा महागठबंधन की जो जीत हुई, इससे साबित हो कि आज जनता ये साबित कर दी है कि हमारे राज्य के माननीय युवा तेज तरार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने किस तरह अपने 4 वर्ष में हमारे झारखंड के लोगों के लिए काम किए हैं, अपने विकास किए हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दात के डी 9308081071 9031612032 सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं
कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी निवानी की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं रह सके। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।